आखिर क्यों इमरान हाशमी से नफरत करती है ऐश्वर्या राय बच्चन? वक्त आने पर ऐसा किया था पलटवार। नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने सिर्फ बॉलीवुड और भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत का खिताब दिया गया है। ऐश्वर्या राय जब भी पर्दे पर दिखाई देती है उनके चेहरे से नजर ही नहीं हटती, मगर ऐसा शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे कि कभी ऐश्वर्या राय की खूबसूरती को लेकर अभिनेता इमरान हाशमी ने बहुत भद्दी बात कह दी थी। जी हाँ, ऐसा हुआ है। आज हम आपको उसी के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों ये बात है जब निर्माता निर्देशक करण जौहर अपने शो में कॉफी विद करण के चौथे सीजन की शूटिंग कर रहे थे। शो के इस एपिसोड में गेस्ट के तौर पर अभिनेता इमरान हाशमी और निर्माता निर्देशक महेश भट्ट पहुंचे थे। शो के दरमियान करण जौहर ने महेश भट्ट और इमरान हाशमी के साथ अपना मशहूर सेगमेंट रैपिड फायर राउंड खेला। इस रैपिड फायर राउंड में करण ने इमरान हाशमी से कुछ सवाल किए जिसमें कुछ चीजों के नाम ले रहे थे और इमरान हाशमी को उन चीजों के नाम सुनते ही जिस किसी अभिनेता या अभिनेत्री का नाम जहन में आता उनका नाम लेना था। इन सवालों में करण जौहर ने जब प्लास्टिक ये नाम लिया तो इमरान हाशमी ने तुरंत इसके जवाब में ऐश्वर्या का नाम लिया। इसका मतलब है कि ऐश्वर्या राय की जो खूबसूरती है वो असली नहीं बल्कि प्लास्टिक की खूबसूरती है। जाहिर सी बात है कि ऐश्वर्या राय के लिए बोल गया ये शब्द उनके चाहने वालों और खुद ऐश्वर्या राय को अच्छा नहीं लगा था। हालांकि इस कमेंट के बाद इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान सफाई भी दी थी कि उन्होंने करण जौहर के शो विद करण में महज गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए ये जवाब दिया था। इस शो के बाद एक मौका ऐसा है जब ऐश्वर्या राय के साथ इमरान हाशमी काम कर सकते थे। ये वो समय था जब इमरान हाशमी को एक बड़ी स्टार कास्ट फिल्म की जरूरत थी, फिल्म बादशाहों की जिसमें इमरान हाशमी भी थे। बता दें कि ये फिल्म पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी। जब ऐश्वर्या राय को पता चला कि इस फिल्म में इमरान हाशमी भी है तो उन्होंने इस फिल्म को ठुकरा दिया, जिसके बाद इस फिल्म में इलियाना डी क्रूज ने काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, जिसके बाद एक हिट फिल्म को तरस इमरान हाशमी को एक और असफल फिल्म से खामियाजा भुगतना पड़ा। मशहूर वेबसाइट फिल्म बीट के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान जब ऐश्वर्या राय से पूछा गया कि उनके जीवन में सबसे गंदा या भद्दा कमेंट कौन सा मिला, जिस पर ऐश ने कहा फेक और प्लास्टिक। हालांकि ऐश्वर्या ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर ये साफ था कि ऐश्वर्या को इमरान हाशमी इस बात से काफी चोट पहुंची थी और इसे ऐश अभी तक नहीं भूल पाई है। दोस्तों आपके मुताबिक किसी भी इंसान के लुक को लेकर इस तरह का भद्दा कमेंट करना सही है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।